फेवरेट चीज़ों की जो लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट करती है, क्या कुछ है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को हमने देखा कि मुर्ग मुसल्लम, ड्रम से भाईवान। तो सर यहाँ में कितने लोग आके बैठ सकते हैं? 120। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षता सहाय और आपका बहुत बहुत स्वागत है टीडी न्यूज़ के सबसे खास सेगमेंट यानी कि राइजिंग बिहार में। इस एपिसोड में हम आ चुके हैं फॉरेस्ट ऑफ पैराडाइज में, जो कि वन मॉल डाक बंगला चौराहा के 8th फ्लोर पे है। चलिए मेरे साथ अंदर और देखते हैं कैसा दिखता है ये रेस्टोरेंट। बात करते हैं यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से, मैनेजर से, क्या कुछ है कि लोगों यहाँ खींचे चले आते हैं। चलिए मेरे साथ देखते हैं इस रिपोर्ट में। सो 8th फ्लोर पे आते के साथ ये जो जगह है, सबसे पहले आप यहाँ से एंटर करते हैं, बस यहाँ का इंटीरियर ऐसे ही शुरू हो जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। एक बैल्कनी व्यू वाला आपको कॉरिडोर जैसा कुछ अंदर आने के लिए मिलता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ग्रास की जो एक फिनिशिंग है वॉल्स में, बहुत ही सुंदर टच दे रही है। और फिर यहाँ पर बैल्कनी में आपको दिख रहा है जो मनी प्लांट वाला टच होता है वो। फॉरेस्ट ऑफ पैराडाइज, आइए आपका स्वागत है। फॉरेस्ट ऑफ पैराडाइज में पता है मेरी फेवरेट पार्ट क्या है? ये सेल्फी पॉइंट तो है ही, ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ भी नज़र जाती है बस और बस ग्रीनरी ही दिखती है आपको। और साथ ही साथ जब आप यहाँ से इस बैल्कनी से बाहर का व्यू देखते हैं, आपको यहाँ पर इतने घने जंगल जैसा व्यू मिलता है कि बस आँखों को मज़ा सा आ जाता है। और ठंडी ठंडी हवा के लिए तो ये प्लेस जानी जाती है। आइए मेरे साथ चलते हैं थोड़ा और आगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट का टच दिया गया है हर तरीके से। एक कॉरिडोर में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर का उपयोग किया गया है, जिससे बहुत अच्छा नेचुरल फिनिश आ सकता है। एंटर करते ही हमें एक बहुत प्यारा सा नेचुरल फिनिश, अगेन एक बड़ा सा फिश टैंक देखने को मिलता है। ये है इनका रिसेप्शन पार्ट, यहाँ पर आप कर सकते हैं वेटिंग। अगर पूरे सीट फुल हो, आराम से यहाँ पे पूरे एसी का इंतज़ाम है, बैठ सकते हैं और इस ब्यूटीफुल नेचुरल टच का मज़ा ले सकते हैं इंटीरियर की बात करें तो। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं फॉरेस्ट ऑफ पैराडाइज के मैनेजर मनीष कुमार जी। सर आप यहाँ पर मैनेजमेंट कब से कर रहे हैं? ये पिछले 3 महीने से हम कर रहे हैं। सर अगर बात करें इंटीरियर की, तो इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी साइड में है, तो और क्या खासा ध्यान दिया गया यहाँ के इंटीरियर की? ये हमारे बॉस जो हैं यहाँ पर मिस्टर अनुराग सिंह, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि हम कुछ जंगल लुक दे इसको, समथिंग नया लुक दे पटना में, और ये सब उन्हीं का थीम किया हुआ है। फॉरेस्ट ऑफ पैराडाइज की बात करते हैं तो ये पटना में अन्य जगहों में भी है, कितनी जगह पे फॉरेस्ट ऑफ पैराडाइज है पटना में? फॉरेस्ट ऑफ पैराडाइज हमारे पास दो हैं, एक यहाँ पे है और एक पाटलिपुत्रा में है जी। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या चीज़ है खास। तो सर यहाँ में कितने लोग आके बैठ सकते हैं? 120। सर अगर बात करें कि फैमिली की, फ्रेंड्स की, किस टाइप के लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं? यहाँ पे यंग क्राउड, फैमिली दोनों आते हैं। फैमिली में भी एक साथ कितने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं? 50-50। ठीक है सर। अगर बात करते हैं सर खाने की, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर USP हैं फॉरेस्ट ऑफ पैराडाइज की? यहाँ पर लोगों को क्यों आना चाहिए और क्या खास यहाँ मिलता है? स्पेशलिटी हमारे पास कॉन्टिनेंटल डिश में है, जैसे चिकन लजानिया हो गया, भेज अक्रातीन हो गया, उसके बाद ड्रम से हमन हो गया। नरवली बेसिकली हमारा मल्टी क्यूजर रेस्टोरेंट है, जहाँ पे इंडियन, चाइनीज, तंदूर, कॉन्टिनेंटल प्रोवाइड करते हैं। सर बात करें उस सेक्शन की, तो पूरा बलून वलून लगा हुआ है, तो बर्थडेज का क्या इंतज़ाम होता है यहाँ पर? एनिवर्सरीज भी क्या यहाँ पर अच्छे से मनाई जाती है? क्या कुछ खास होता है? यहाँ पे एनिवर्सरी और बर्थडे दोनों मनाया जाता है, जैसे गेस्ट का डिमांड होता है। सर बात करें कि अगर यहाँ की इस एरिया को बुक किया जाता है या फिर बलून्स की एक्स्ट्रा चार्जेस ली जाती है, क्या कुछ किया जाता है? बहुत कम नॉर्मल चार्जेस किया जाता है, चीफ एंड बेस्ट बलून का हम चार्ज करते हैं, ज़्यादा कॉस्ट नहीं करते हैं। चलिए चलते आगे, कहाँ तक ले जाता है रेस्टोरेंट आपको, मेरे साथ दिखाती हूँ। सर अगर प्राइजेस की बात करें, तो प्राइजेस कैसे मिलते हैं यहाँ? प्राइजेस भी यहाँ पे बहुत ही कम है, मतलब चीफ एंड बेस्ट कहा जा सकता है। बात करें यहाँ के इंटीरियर की, तो यकीनन बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट बनाया गया है, फोकस ज़्यादा यहाँ पर किया गया है इंटीरियर का थीम को, जंगल थीम को। यहाँ पे लाइटिंग्स जो है काफ़ी खूबसूरत ढंग से की हुई है। सर यहाँ पर ज़्यादातर कौन से लोग आना पसंद करते हैं, उसके बारे में कुछ? यहाँ पे हमने एक यूनिक डेकोरेशन किया है, यहाँ पे कपल, फैमिली, एक पार्टिकुलर देखा आपने, यहाँ पे एक कैबिन टाइप का बनाया हुआ है जिसमें कपल भी,
और एक फैमिली भी अपने आप को एक प्राइवेसी महसूस करते हैं बैठने के बाद, और उसी में उनका बर्थडे एनिवर्सरी भी हम मनाते हैं और उनको लगता है फील लाइक कि हम अलग हैं, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है, एक सेपरेटली है, एक यूनिक प्लेस बना दिया गया है उसी को। सर अगर बात करें यहाँ की मेन्यू की तो क्या चीज़ है यहाँ पर खास जो इसे भिन्न करता है और अलग रेस्टोरेंट से, और प्राइजेस की बात करें या फेवरेट चीज़ों की जो लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट करती है, क्या कुछ है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को हमने देखा कि मुर्ग मुसल्लम, ड्रम से भैवान और चिकन अग्रातीन हो गया, लेयर ऑफ पास्ता लजानिया हो गया, लोगों को बहुत पसंद आया। वेज की बात करें तो वेज रेस्टोरेंट के लिए भी ये बहुत जाना माना जाता है, क्योंकि मुझे भी यहाँ का जो एक पनीर लबाबदार है वो मेरी फेवरेट है। और क्या चीज़ है यहाँ पर खास, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे पनीर लबाबदार है, उसके बाद में आप चाइनीज लेंगे, वेज स्टर फ्राइड है, सॉटेड वेजिटेबल है। चलते हैं मैनेजर जी के साथ एक बहुत ही स्पेशल जोन में जो कि यहाँ बना हुआ है, आइए मेरे साथ। ये थोड़ा सा अलग है पूरे फॉरेस्टो पैराडाइज के रेस्टोरेंट से, क्या खास है सर यहाँ? एक प्राइवेट पार्ट है मैम, यहाँ पे प्राइवेट पार्टी होती रहती है, जैसे 10 से लेकर के 20, 25, 30, 50 आदमी तक का हम यहाँ पर गेट टुगेदर पार्टी करते हैं, उनको उनके हिसाब से हम डेकोरेशन करते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी हो उस टाइप से डेकोरेशन करके हम गेस्ट लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जैसा उनको चाहिए, जो कुजिन चाहिए। अगर बात करें प्राइजेस की तो इस प्राइवेट प्लेस की प्राइजेस क्या कुछ डिफरेंट है? नहीं, डिफरेंट नहीं है, चीफ एंड बेस्ट प्राइस हमने रखा है, इसलिए अक्सर प्लेस ये बुक ही रहता है। काफ़ी खूबसूरत था, इसको अगेन एक डिफरेंट फॉरेस्ट का लुक दिया गया है, बैम्बू वाला जो वॉलपेपर होता है उससे इसको सजाया गया है, हर तरीके से बलून्स का यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये जगह, ये जगह सबसे ज़्यादा बर्थडेज के लिए यूज़ होता है, एनिवर्सरी के लिए, आज भी लग रहा है ये जगह बुक ही है, आज भी एक एनिवर्सरी है। तो यहाँ पर पूरी एक बड़ी सी फैमिली आके अकोमोडेट आराम से कर सकती है, क्यों सर? आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्राइवेसी फील होता है कस्टमर लोगों को, गेस्ट लोगों को, अच्छा हैप्पी होकर के यहाँ पर जाते हैं। उस तरफ वहाँ पर क्या है खास? ओपन प्लेस है, स्मोकिंग जोन है, बार का भी क्या इंतजाम है अंदर? मॉकटेल बार है, यहाँ पर भी कुछ बनाया गया है, एक यूनिक शेप है, ये डिजाइन किया गया है, इसमें टायर ट्रक का लगाया हुआ है, एक समथिंग डिफरेंट प्लेस बनाया गया है इसको। यहाँ पे हमारा मॉकटेल बार है, ओपन प्लेस है, स्मोकिंग जोन है, बहुत ही सुंदर जगह लग रहा है, बिल्कुल ही खुला है और नेचर के बहुत करीब है। अगेन यहाँ पर जो इसका इंटीरियर है टायर से यहाँ पे बनाया गया है, बैठने की जगह काफ़ी खूबसूरत लग रही है, वहाँ पर है सेल्फी पॉइंट, सेल्फीज़ भी यहाँ पे आराम से जो लोग आते हैं वो ले सकते हैं। सर यहाँ पे जो बार सेक्शन की बात करें, बार सेक्शन चलता है यहाँ पे? हाँ बार सेक्शन चलता है। क्या कुछ मिलता है यहाँ पे? मॉकटेल बनता है। सर ये प्लेस भी कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकता है एक बार में? 30 लोगों का अकोमोडेट करता है। जी सर, यहाँ से हमारा टकमंगला चौराहा दिखता है, तो लोग बेसिकली ज़्यादा करके पसंद करते हैं इस जगह को, आते हैं बैठते हैं, यहाँ से लुक दिखता है टकमंगला चौराहा। जी हाँ, यहाँ पर आपको पूरे पटना का व्यू भी दिख सकता है, और यहाँ पे है सेल्फी पॉइंट, आप यहाँ खड़े होके बहुत ही खूबसूरत सी अपनी तस्वीर उठा सकते हैं। तो हम आ चुके हैं फॉरेस्ट ऑफ पैराडाइज के ओपन एरिया में, शाम का वक्त है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और लाइटिंग से इस जोन को पूरी तरह से किया गया है डेकोरेट। ऊपर देखूँ तो आसमान भी दिख रहा है, साथ में साथ यहाँ पर नज़र आ रही है खूबसूरत सी ग्रीनरी के साथ सीनरी, और यहाँ पर बहुत सुंदर इंतज़ाम किया गया। अगर मैं बात करूँ टायर जो होता है उससे यहाँ पे बनाया गया है चेयर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और काफ़ी खूबसूरत है, आप कंफर्टेबल होके टायर पे ही बैठ सकते हैं, इसे बिल्कुल ही सोफ़ा का लुक दिया गया है जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर ऑर्डर करिए अपना फेवरेट डिश और बस इंजॉय करिए, चाहिए अगर आपको बार का एक बहुत अच्छा मज़ा तो आप यहाँ के बार जोन में भी कर सकते हैं अपने लिए कोई भी बेवरेज ड्रिंक ऑर्डर। तो यहाँ पे इनका मॉकटेल बार, जहाँ पर आप आके डिलिशियस मॉकटेल बिल्कुल ही अपने आँखों के सामने बनता हुआ देखकर एंजॉय कर सकते हैं और इस ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा ले सकते हैं। इनकेस आप आते हैं गर्मी के वक्त या फिर दिन के वक्त जब धूप होती है, कूलर भी है यहाँ पर जो ठंडी ठंडी हवाएँ आपको देता रहे और आप इंजॉय कर सकते हैं। सर ये जो आइडिया है ओपन एरिया का, इस तरह से डेकोरेट करने का आइडिया कैसे आया आपको?
देखिए ये हमारे ओनर ने आइडिया उन्हीं को मिला, आपने देखा होगा कि अंदर से लेकर के बाहर तक एक पैराडाइज बनाया हुआ है, एक यूनिक प्लेस बनाया हुआ है। ये पटना में कहीं पर नहीं है, कहीं पर तो पूरा ग्रीनर है, जंगल जैसा डेकोरेशन किया हुआ है, एक यूनिक पार्ट बनाया हुआ है। आप बाहर में भी देखा आपने कि टायर लगाया हुआ है और टायर का ही सीटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है, लाइक सोफा बना दिया गया है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे बात करते हैं वेस्ट मटेरियल का भी, एक बहुत यूनिक तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से 6-7 लोग एक पूरी फैमिली आके अकोमोडेट कर सकती है अगर वो चाहती है बाहर के व्यू में अपना खाना इंजॉय करना। सर अगर बात करें कि यहाँ पे किस टाइप के लोग आते हैं, स्किल क्लास के लोग आते हैं और हायर की डिग्री के लोग आते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे बाहर जो बात करें कि बूढ़े लोग ज्यादा आना पसंद करते हैं, फैमिली आना पसंद करती, यंगस्टर्स आना पसंद करते हैं। यहाँ पे ज्यादा यंगस्टर ज्यादा पसंद करते हैं आना। दिन में सबसे ज्यादा भीड़ कब होती है और कब एकदम सन्नाटा सा होता है, कब है सारे लोगों की आने का समय यहाँ पे? यहाँ पे सन्नाटा तो कभी होता ही नहीं है, जब हम रेस्टोरेंट ओपन करते हैं मॉर्निंग 11 o'clock तब से लेकर के रात 11 बजे तक बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। जी सर, टीडी न्यूज़ पे आपको मिलती है जनता की सच्ची रिव्यू। तो हम आ चुके हैं फॉरेस्ट ऑफ पैराडाइज में, आए हुए कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से बात करते हैं। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अमन है। सो कितनी दफ़ा आप आ चुके हैं यहाँ के फॉरेस्ट ऑफ पैराडाइज में? मैं यहाँ 2 दफ़ा और आ चुका हूँ पहले। तो क्या चीज़ के लिए आज आप यहाँ आए? आज मेरा बर्थडे और मैं सेलिब्रेट करने आया हूं अपना बर्थडे। आपकी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लगता है आपको ये रेस्टोरेंट ही क्यों चूज़ किया अपना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए? एक्चुअली मुझे यहाँ का सबसे पहली बात है जो यहाँ का लुक है जो इन्होंने बनाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी पसंद आता है और यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा है, इस वजह से मैं इसे। प्राइजेस की बात करें तो यंगस्टर्स हैं, सब कुछ सही लगता है प्राइजेस में? हाँ प्राइजेस बिल्कुल अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल है। अगर रेट करना हो यहाँ की फूड के टेस्ट की तो 10/10 कितना रेट करेंगे? मैं तो 10/10 दूंगा। शुक्रिया सर। नमस्कार सर, आप भी आए अपने दोस्त के बर्थडे के सेलिब्रेशन में, कितनी दफ़ा आ चुके हैं आप? मैं यहाँ कई दफ़ा आ चुका हूँ। क्या खास लगता है कि बार बार यहाँ आते हैं? यहाँ का क्राउड देखिए मैम, जो हवाएं चल रही है उसको इंजॉय कीजिए, अंदर का सीन देखिए, उसके बाद खाने की टेस्ट की बात करें या सर्विस की बात करें, एम्बियंस की बात करें, क्या ख्याल है आपका? बहुत बढ़िया है यहाँ का, काफ़ी लोग कॉर्पोरेट कर रहे हैं, खाना भी बढ़िया है। प्राइजेस की बात करें? प्राइस अफोर्डेबल है, बहुत बढ़िया है। 10/10 कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 10/10। शुक्रिया। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे मौजूद कुछ और लोगों से और लेते हैं उनका रिव्यू। मैम क्या नाम हो आपका? ईदम। तो ईदम मैम आप आई हैं अपनी फ्रेंड के साथ? जी। कितनी दफ़ा आ चुके हैं इस रेस्टोरेंट? सेकेंड टाइम है, फर्स्ट टाइम आई थी तो अच्छा लगा तो आ जाइए फिर से। क्या कुछ खास लगा यहाँ पर, क्या है आपकी फेवरेट डिश? चिकन टिक्का अच्छा है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है, वो भी अच्छा टेस्ट है। मैम क्या नाम हो आप? गीता। तो आप क्या खा रही हैं आज? वही चिकन टिक्का हो गया, पनीर का आइटम हुआ। आप कितनी दफ़ा आ चुके हैं यहाँ पर, क्या कुछ खास लगता है? बोलूँ तो बहुत बार आ चुकी हूँ, कम से कम 10-15। मैम अगर रेटिंग की बात करें कितना रेटिंग देना चाहेंगे ऑल ओवर इस रेस्टोरेंट को 10/10? I may give 8। आपकी बात करूँ सेम, दोनों दोस्त 8 रिव्यू दे रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम।